भाजपा से चौरी चौरा के विधायक इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद को जेल से जान से मारने की धमकी मिली, जिसके संबंध में भाजपा के चौरी चौरा के विधायक इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद ने बताया कि मेरी जान को खतरा है, उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है। जेल से यह साजिश रची जा रही है, इसके पीछे कुछ बाहुबली लोग हैं। उन्होंने बताया कि जेल में बंद कुछ अपराधियों ने लहसड़ी के रहने वाले समर्थक सुधीर कुमार साहनी के विधायक को जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी एक कॉल रिकॉर्डिंग विधायक तक पहुंची है, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। भाजपा विधायक ने बताया कि फोन करने वाला व्यक्ति अपना नाम धर्मवीर यादव बता रहा है। उसने लहसड़ी निवासी सुधीर साहनी को फोन किया। फोन करने वाले ने अपना नाम धर्मवीर यादव बताया। उसने फोन पर सुधीर को बताया कि उसकी हत्या हो सकती है, इस हत्या की साजिश विधायक रच रहे हैं। फोन करने वाले व्यक्ति ने दो लोगों की हत्या करने का भी दावा किया। उसने यह भी दावा किया कि वह जेल में बंद है, जेल से ही फोन कर रहा है। उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। धर्मवीर यादव ने जिस व्यक्ति को फोन किया था वह मेरा समर्थक है, उसी ने यह कॉल रिकॉर्डिंग सौंपी है। मामला संज्ञान में आने के बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी है, उन्हें कॉल रिकॉर्डिंग सौंप दिया है। इस मामले में रविवार को लखनऊ में अपने पिता कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के साथ डीजीपी से मुलाकात किया और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। उन्होंने अंदेशा जताया कि निषाद पार्टी के बढ़ते प्रभाव से लोग घबरा गए हैं, ऐसे में इस प्रकार की साजिश की जा रही है। इसमें धर्मवीर यादव तो एक मोहरा है, इसके पीछे बड़े लोगों का हाथ हो सकता है। उन्होंने मामले की स्पेशल टास्क फोर्स से जांच कराने की मांग भी की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के चौरी चौरा के विधायक श्रवण कुमार निषाद ने कहा, देखिए अपराधी का काम ही है अपराध करना, इनका पेशा होता है अपराध करना। सपा सरकार में जो है ये इतने अपराध कर चुके थे जिन्हें योगी सरकार ने जेल भेजा, और ये जेल में रह रह के फड़फड़ा रहे हैं, ये बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, मगर ये कहीं से भी इनके लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हम इन्हें बता देना चाहते हैं ये सपा सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है। यहाँ योगी सेवक, संजय सेवक और समाज सेवक हम लोग जैसे लोग यहाँ रहते हैं, और अपराधियों को यहाँ इस जमीन पर और उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं निषाद राज का बेटा हूँ, समाज का सेवक हूँ। इन धमकियों से और जो ये साजिश रच रहे हैं लोग, जो बैठ के ये बढ़ता हुआ निषादों का जनाधार नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि सपा सरकार ने तो कोई सम्मान नहीं दिया इस समाज को। आज मोदी सरकार में, योगी सरकार में मछुआरों की तरक्की हो रही है, इन्हें सम्मान मिल रहा है, तो आज इन्हें फड़फड़ाहट हो रही है। घबराइए नहीं, ऐसे लोगों की जगह जेल है, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी जेल में ही रहेंगे, ये इनके लिए कोई रास्ता नहीं है। रही बात जेल से फोन आने की, हत्या की साजिश रचने की, तो इसका रिकॉर्डिंग हमने जो है प्रशासन को सौंप रखा है। जल्द ही मैं डीजीपी महोदय जी से मुलाकात करूंगा, अपनी बात रखूंगा, और ऐसे अपराधियों जो पीछे जो जेल के में भी रह के और जेल के बाहर भी रह के जो साजिश रच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमने रिकॉर्डिंग प्रशासन को सौंप दी है, और उन्हें बता देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ योगी सेवक, संजय सेवक और हम जैसे लोग समाज की सेवा करने के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे अपराधियों को उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं।